अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की नई सुबह के साथ गुड मॉर्निंग। बच्चे भी उठ चुके हैं और हम भी फिर उठ ही चुके हैं। जब बच्चे उठ गए तो फिर हम कैसे सो सकते हैं। उठते साथ दोनों बच्चे भागते हैं नीचे दादू के रूम में। तो बस ये मस्तियाँ चल रही हैं बच्चों की अपने दादू के साथ। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जल्दी से प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक ईज़िली पहुँच सकें। आज ना कुछ स्पेशल होने वाला है, मज़ेदार धमाकेदार, जो आज से पहले बहुत दफ़ा हो चुका है। रज़ा ने कहा आज ना यार तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ बिरयानी। फिर क्या, बस स्टार्ट हो गई कटिंग और आप बस कटिंग चेक करें कि क्या कमाल कटिंग करते हैं ये। टमाटर शमाटर मैंने काट दिए और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना दिया, बाकी प्याज श्याज उन्होंने काटे। तो ये सारे हमारे मसाले बन गए जो कि अब बिरयानी में जाने लगे हैं। मेरा और इनका बिरयानी बनाने का ना थोड़ा सा डिफरेंट है स्टाइल, बट मुझे ज़्यादा मज़े की जो है ना इन्हीं की लगती है। मैं जो बनाती हूँ ना, पहले प्याज डालती हूँ, अदरक लहसुन, फिर टमाटर, बट इन्होंने जो है प्याज करने के बाद, अदरक लहसुन डालने के बाद डाल दिया उसके अंदर चिकन। चिकन को थोड़ा सा लाइट ब्राउन किया, उसके ऊपर से डाल दिया दही। दही के अंदर डाला बता मसाले दोनों पैकेट, फिर उसको थोड़ा सा भुना और उसके अंदर डाल दिया टमाटर, फिर टमाटर को भुना। बस हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है पकाने का। मेन चीज़ यह है कि जो चीज़ बना रहे हैं ना वो बस मज़े की होनी चाहिए। अब ये इसमें डल रही है इमली, इमली तो लाजमी है ना बिरयानी में। साथ में हमने डालना है धनिया और जब हम इसको दम देंगे ना फिर हमने इसमें डालना है पुदीना। साथ साथ ये बच्चों की शरारतें, ये तो पूरा दिन ही चलती रहती हैं। अब ये देखें ये कोई हाल है बच्चों का, बैठे हुए दोनों एक ही गाड़ी पे लड़ रहे थे मुझे चाहिए मुझे चाहिए। सो फाइनली हो चुका है हमारा कोरमा तैयार। अब जो है साथ में पानी बॉयल हो रहा है, उसमें हम जल्दी से करेंगे चावल बॉयल और फिर लगा देंगे इसको दम। लग रही है काफ़ी ज़्यादा भूख, बिरयानी देख के ना वैसे ही आपकी भूख बढ़ जाती है। अब ये देखें लग रहा है बड़ा ही मज़ेदार सा दम। हो गई हमारी बिरयानी तैयार, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी ही मज़ेदार लग रही है। अब हम डालते हैं इसको अपनी प्लेट में और खाते हैं मज़े लेकर। खा पी के फ्री होके हम निकल आए बाहर। यहाँ हम आ गए हैं सुपरमार्केट, कुछ हमने लेनी थी चीज़ें। यहाँ सोसाइटी में ना हर साल स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, तो वहाँ आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि यार हम लगाते हैं चाइनीज़ फूड, सो बस उसके लिए ही हम निकले हैं कुछ चीज़ें ख़रीदने। वैसे तो ये ना हर साल ही लगते हैं, बट अगर हर महीने भी लगे ना तो फ़ायदा है। एक तो आपका इन्जॉयमेंट हो जाता है, ऊपर से अर्निंग भी हो जाती है काफ़ी अच्छी। बस ये है कि काफ़ी मेहनत लगती है, अकेले एक बंदे का काम नहीं है, आपके साथ कोई तीन चार हाथ हों फिर ही आप ये सारे काम कर सकते हैं इजीली। इसके बाद हमने लेना था चिकन, तो हम चिकन की शॉप पर आ गए। चिकन ना बहुत ज़्यादा महंगा हुआ हुआ है, तो बस चिकन लिया, फिर हमने थोड़ी प्लेट्स वगैरह ली। अब हम जा रहे हैं वापस घर और वापसी में हम आ गए डॉक्टर के पास। मूसा की दादों के ना हाथ में लगी हुई थी चोट, तो बस उनको चेक कराने। दो तीन दिन पहले ना गाड़ी में जा रहे थे तो उतरने लगी हैं, तो गाड़ी के दरवाजे में ना उनका अंगूठा आ गया, तो बस बहुत बुरा हाल हुआ है। सो यहाँ पर करते हैं हम अपनी वीडियो एंड। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।